अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आपको कुछ इस तरह के फ्रॉक नज़र आएंगे कि जो आपके रैंडम स्टफ़ हैं उनके ये तैयार किए जा सकते हैं या आप पीसीस की मदद से इनको तैयार कर सकती हैं। अक्सर लेडीज़ को आदत होती है, वो चाहती हैं कि हम कट पीस लेकर अपनी बेबी के तैयार करें और प्यारे प्यारे अंदाज से तैयार कर लेती हैं, क्योंकि उनको शौक होता है कि छोटे छोटे कट पीस सस्ते भी मिल जाते हैं और प्यारा सा ड्रेस भी तैयार हो जाता है। इसलिए आज की आइडियाज़ वीडियो आपके लिए कुछ इस तरह से ही लेकर आई हूँ आइडियाज़, ताकि आपके लिए पीसीज की मदद से आपको प्यारे प्यारे फ्रॉक तैयार करने का मौका मिल जाए। बहुत प्यारा सा ये अम्ब्रेला है, कंट्रास्ट में आप चाहें तो सिंपल थ्री पैनल के साथ भी ये शेप दी जा सकती है, और ये थ्री पैनल वाला ही अम्ब्रेला था। और इस तरह से ये पॉकेट वाला फ्रॉक भी बहुत खूबसूरत है, आप चाहें चार या पांच पैनल वाला फ्रॉक बना सकती हैं, क्योंकि पैनल वाले फ्रॉक में बहुत कम स्टफ लगता है। इसी तरह ये भी पैरट और शॉकिंग पैनल वाला फ्रॉक है, ये चेक फोर कलर में अगर आपके पास है तो आप इस तरह से इसको बना सकती हैं। ये तमाम जितने भी आपको मैंने फ्रॉक दिखाए हैं तमाम इसी तरह से तैयार किए जा सकते हैं। ये झबला स्टाइल, ये देखें ये कितना खूबसूरत अंदाज से लेसिस की वजह से बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी तैयार कर सकती हैं, कॉटन फैब्रिक हो चाहे लॉन फैब्रिक। फ्रॉक तैयार करने के बाद वैसे ही बहुत प्यारा सा लगता है अगर डिज़ाइनिंग अच्छी हो। ये फ्रिल वाले फ्रॉक, ये देखें कितने खूबसूरत अंदाज से कलरफुल फ्रिल लगा दी गई, उनमें एक और छोटी फ्रिल लगाई गई जिससे फ्रॉक की खूबसूरती और भी बढ़ गई। एक फ्लावर लगा दें तो और भी फ्रॉक बहुत प्यारा लगेगा। पैनल के वाले फ्रॉक मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में दिखाए हैं, जो कि आपको बहुत पसंद आया था। कलरफुल बहुत सारी पैनल नीचे से ट्राइंगल किए थे, यही लुक आपको फ्रॉक की दिखाई थी, जो कि बहुत ही प्यारा लगा था स्टिच होने के बाद। उम्मीद है आपको ये तमाम फ्रॉक बहुत अच्छे लगेंगे। अगर तमाम फ्रॉक में जो ड्रेस फ्रॉक का आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स पे, अपनी राय का इजहार प्लीज़ ज़रूर किया करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस आइडियाज़ वीडियो में चाहिए। आप सिर्फ एक फ्रॉक की तारीफ़ कर दें या सब फ्रॉकों की करें, चाहे मेरी काम की करें, माशाल्लाह आपका ज़र्फ है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इतना प्यारा साथ देते हैं। प्लीज़ मेरा मज़ीद अच्छा सा साथ दें, मेरी वीडियो शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। अगर आपका कोई पेज बना हुआ है तो उस पर या आईडी है तो, ताकि मेरी वीडियो रैंक करे और आगे जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, आप मेरा साथ दें, अल्लाह आपका साथ देगा। अल्लाह आपको हर दुनिया और आखरत की खुशियाँ दे जो आपको ख्वाहिश हो और जो आपके हक में बेहतर हो, जिस चीज़ में आपकी भलाई हो। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छा सा कमेंट्स भी ज़रूर किया करें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो वाकई ही आपने वीडियो देखने के बाद आपको पसंद भी आई। मस्के नहीं, सीरियस होके बात कर रही हूँ, मस्का बाजी नहीं। और आप भी इसी तरह से सीरियस होकर मुझे कमेंट्स किया करें, अच्छा सा तारीफ़ वाला भी कर दिया करें, बहुत अच्छा लगता है। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलूँगी एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे आपके साथ। दुआ में आप मुझे भी याद रखिएगा, अल्लाह ताला मेरे इस काम को तरक्की दे, बरकत दे, कामयाबी दे। ज़िंदगी रही तो आपको के साथ ऐसे ही काम करती रहूँगी, अच्छे से अच्छा लेकर आऊँगी, मेरी कोशिश यही होगी, ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।